गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि धारामापी किस प्रकार से कार्य करते हैं, और उसके अंतर्गत हमने देखा निलंबित धारामापी में पिछले वीडियो के माध्यम से कि निलंबित धारामापी किस प्रकार से होता है, उसकी चित्रम रचना क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका कार्यविधि क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वह किस सूत्र पर कार्य करता है और उसके आधार पर धारा का मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं धारामापी का। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जैसे ये एक कुंडली था और मान लो इस कुंडली की लंबाई स्मॉल एल है और इसकी जो चौड़ाई है स्मॉल बी है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये जो चुंबक है उस क्षेत्र में एन और एस इस बात था तो उस पर रखा गया था। तो चुंबक के कारण जो चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कैपिटल बी इस पर कार्य करने लगती है। तो अगर ये देखा जाए इसमें धारा जो थी वो आई धारा थी जो नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। तो धारा की बात करें तो धारा के कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चूंकि ये ऑलरेडी एक चुंबकीय क्षेत्र पर है तो ये बताया गया था कि इस पर लंबवत दिशा में बल लगना शुरू हो जाता है। तो किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किए जाने पर उस पर लगने वाले बल के लिए लॉरेंट्ज़ के अनुसार हमारे पास सूत्र था एल लंबाई के चालक तार पर आरोपित बल, लॉरेंज के नियमानुसार, लॉरेंज के नियमानुसार जो बल था F इज इक्वल टू हमने देखा था एल आई बी साइन थीटा। एल जो है वो चालक तार की लंबाई है, यहाँ ये बोला जा सकता है कि इसकी जो लंबाई है L इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B है और जो कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार जो बल की दिशा रहती है तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो उस स्थिति में हम बोल सकते हैं कि जो थीटा का मान होता है वो 90 डिग्री हो जाता है और साइन 90 का मान जो होता है वो हमारे पास निकल कर सामने आता है 1। तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं F इज इक्वल टू एल आई बी। जबकि अगर हम देखें तो इस पर विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है तथा इसमें यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या स्मॉल n हो, तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो कुंडली का निर्माण किया जाता है तो उसमें नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार लपेटकर बनाए जाते हैं। तो तांबे के तार की फेरों की संख्या यदि m होती है तो जो बल है वो हमारे पास m l i b हो जाता है तथा विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। तो यहाँ विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण के पीछे कारण क्या था कि दो बल, एक बल F और एक बल F, यहाँ पर दोनों बल दोनों परस्पर विपरीत दिशाओं में एक ही कुंडली पर कार्य करते हैं जिसके कारण इसको बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है और या फिर विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहा जाता है। तो जो बल युग्म का आघूर्ण का सूत्र होता है हमारे पास वो होता है दोनों बलों में से, बलों में से एक बल गुणित क्रिया दोनों बलों के मध्य दूरी, या ये बोला जा सकता है क्रिया रेखा की लंबाई या फिर दोनों बलों के मध्य दूरी। तो अगर हम बात करें दोनों बलों में से एक बल F है, यहां पर भी एक बल F है जिसका मान हमने निकाला है एम एल आई बी। तो इसके आधार पे एम एल आई बी गुणित दोनों बलों के मध्य जो दूरी है, तो दूरी जो लंबवत दूरी बोली जा सकती है, तो ये जो लंबवत दूरी होगी उसके आधार पर बोला जा सकता है कि जो लंबवत दूरी है वो हमारी स्मॉल बी है। तो इसके आधार पर लिखा जा सकता है बी या एम एल क्रॉस बी आई इंटू कैपिटल बी, एल इंटू बी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई को हम इसको क्षेत्रफल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एन ए आई बी या एन आई ए बी लिखा जा सकता है कि ये विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण हो जाता है और विक्षेपक बल युग्म के आघूर्ण के कारण जो बल लग रहा है वो लग रहा है एन आई ए बी। किंतु ये बताया गया था कि जैसे ही विक्षेपक बल में आघूर्ण लगता है उसके कारण कुंडली विक्षेपित हो जाती है, किंतु उसके साथ साथ ये भी बताया गया था कि इसके साथ लगा हुआ स्प्रिंग SP जो है वो अपने ऊपर आरोपित किसी भी ऐंठन का विरोध करता है जिसके कारण उस पर विपरीत दिशा में ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो यदि कुंडली स्प्रिंग में उत्पन्न ऐंठन फाई हो तो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण
ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा साइन। जो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण होता है वो सदैव जो विक्षेप उत्पन्न हो रहा है ऐंठन उत्पन्न हो रहा है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ऐंठन उत्पन्न होगा उतना ही ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो ये बोला जा सकता है कि उपरोक्त दोनों स्थितियों में संतुलनावस्था में, संतुलनावस्था मतलब नॉर्मल सी बात है, एक तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है और दूसरा ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है। और ये बताया गया था कि जब दोनों बलों का परिमाण एक समान होता है तो दोनों बलों के कारण वो एक निश्चित कोण बनाकर स्थिर हो जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं इसके कारण लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण जो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण NIAB विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण NIAB जो कार्य कर रहा था वो कहीं ना कहीं ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण प्रोपोर्शनल टू फाई या फिर सी फाई, जहाँ सी जो है वो ऐंठन नियतांक को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है सी फाई। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाने पर एक निश्चित कांस्टेंट हम जोड़ते हैं तो उसके आधार पर NIAB इज इक्वल टू सी फाई या I इज इक्वल टू सी अपन NAB इंटू फाई। तो ये कहा जा सकता है कि जो विद्युत धारा है अगर मैं बात करूँ सी अपन NAB की तो ये सारे के सारे एक कांस्टेंट है तो उसको कैपिटल K मान सकते हैं हम, क्योंकि सी जो है वो ऐंठन नियतांक है, एन फेरों की संख्या, ए जो क्षेत्रफल है और बी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्थिर है इसलिए बोला जा सकता है कि सारी चीजें कांस्टेंट होंगी और उसके आधार पर लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू के फाई या ये बोला जा सकता है आई प्रोपोर्शनल टू फाई। अर्थात कुंडली में जो प्रवाहित धारा होती है वो उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम विक्षेप का मापन कैसे करेंगे, क्योंकि विक्षेप का मापन का हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये हमको ये तो पता चल गया कि जो धारा होती है वो विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, किंतु विक्षेप के मापने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो पिछले वीडियो में जब चित्रों के बारे में बताया जा रहा था तो उस समय ये बताया गया था कि जो समतल दर्पण M होता है उसके जस्ट सामने एक मीटर स्केल लगा हुआ रहता है जिसके बीचों बीच एक प्रकाश स्रोत S लगा हुआ रहता है। इस प्रकाश स्रोत से निरंतर प्रकाश की किरणें जो होती है वो सीधी समतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर समतल दर्पण सीधा है तो प्रकाश किरणें टकराकर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाती है, किंतु यदि समतल दर्पण थीटा कोण से विक्षेपित होता है जैसे कि यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, अगर ये थीटा कोण से विक्षेपित होता है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो यहाँ S1 पर आरोपित होती हैं। तो मान लो इसकी जो दूरी है वो रैखिक विस्थापन बोला जा सकता है, वृत्त स्केल पैमाने पर जो विस्थापन है वो हम अगर x मानते हैं और पर्दे से प्रकाश स्रोत की दूरी अगर स्मॉल d है तो उस स्थिति में यहाँ एक समकोण का निर्माण हो रहा है और समकोण का निर्माण होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि त्रिभुज SMS1 में tan थीटा इज इक्वल टू लंब SS1 बटे आधार MS या ये बोला जा सकता है tan थीटा इज इक्वल टू SS1 की जगह हमारे पास है x जबकि MS की जगह हमारे पास है d चूंकि थीटा अति सूक्ष्म है। नॉर्मल सी बात है जो विक्षेप होता है वो बहुत ज्यादा विक्षेप नहीं होता क्योंकि ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण जो होता है उसको ज्यादा देर तक विक्षेपित नहीं रखता, उसको उसके विक्षेप को कम कर देता है। तो ये बोला जा सकता है कि थीटा जो है वो अति सूक्ष्म है और अगर थीटा अति सूक्ष्म है तो उस स्थिति में tan थीटा जो हो जाता है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा थीटा। तो इसके आधार पर लिखा जा सकता है थीटा इज इक्वल टू x अपन d, d चूंकि निश्चित है तो उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू x। तो उस आधार पे हमने देखा कि जो विक्षेप था वहां यहाँ थीटा ले लिया गया है जबकि वास्तव में फाई है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं फाई में, ये फाई तो
इसको भी हम फाइव में कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे पास जो वास्तविक विक्षेप था उसको फाइव माना गया था, तो फाइव के आधार पर यहाँ पर फाइव प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो समीकरण एक और समीकरण दो, तो समीकरण एक व दो सेम, आई प्रोपोर्शनल टू फाइव है जबकि फाइव प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इस आधार पर बोला जा सकता है कि आई प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका सीधा मीनिंग है कि जो कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, धारामापी में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो स्केल पैमाने पे उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये विक्षेप का मापन करने के लिए हमारे पास व्यवस्था है, उस मापन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। इस प्रकार निलंबित धारामापी की सहायता से परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मापन किया जा सकता है।